हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक है यूपी स्कॉलरशिप। मतलब अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप ज़रूर डीएलएड में फॉर्म अप्लाई करोगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि हम यूपी डीएलएड और नए जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू सो मच। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि जब आप ऑनलाइन मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो आप उसमें अपना बैंक का आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर फिल करोगे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो एक साथ विलय कर रहे हैं। जैसे कि कल इलाहाबाद प्रयागराज ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आईएफएससी कोड मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जब आईएफएससी कोड मैच कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो एक साथ विलय कर रहे हैं, और जब विलय करते हैं तो आईएफएससी कोड होता है ना लास्ट या स्टार्टिंग का, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि विजया बैंक, देना बैंक, बड़ौदा बैंक के साथ विलय करने वाला है। तो अगर आपके कोई भी बैंक उस बैंक में है तो आप एक बार ब्रांच पर जाओ और पूछ लो कि जो आईएफएससी कोड है वो चेंज तो नहीं हो रहा है ना। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जब चेंज हो जाएगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये कह रही हूँ कि सबसे पहले आपको यही काम करना है कि अगर आपका बैंक किसी भी खाते में है तो आप सबसे पहले ब्रांच पे जाओ और ये पूछ लो कि आईएफएससी जो है वो चेंज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही फॉर्म फिल कर दोगे फिर वो क्या पता आईएफएससी कोड मैच ना करे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म क्यों नहीं आया, क्योंकि आप सोचोगे मेरा आय, जात, निवास सब कुछ सही होने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है। तो आपको सबसे पहला अपना काम कर लेना है, आपको जाना है ब्रांच के पास और वहां पूछ लेना है, ठीक है। और बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। और चलिए मैं लास्ट डेट बता देती हूँ कि आप अगर डीएलएड कर रहे हो या फिर यूपी स्कॉलरशिप 10th, 9वीं, 12वीं या फिर और भी कोई डिप्लोमा या कोर्सेज कर रहे हो तो आप लास्ट 10 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और ये भी कह दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है कि सेकेंड फेज वालों का स्कॉलरशिप का फॉर्म वो कब फिल कर सकते हैं, तो वो फिल करेंगे जब उनका एडमिशन हो जाएगा तब वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही है कि आप अपने ब्रांच पर जाओ और आप पूछ लो कि जो आईएफएससी कोड है वो चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन कल इलाहाबाद प्रयागराज ने एक पब्लिश किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म हुआ रिजेक्ट। क्यों हुआ? क्योंकि आईएफएससी कोड मैच नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है, तो सबसे पहले कल जाइएगा और पूछ कर आइएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम यूपी डीएलएड या टीचर बनने से संबंधित या और नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं और बिल्कुल सही देते हैं, ठीक है। तो बस मुझे आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन देना था। आप सबसे पहले काम यही करो, उसके बाद कुछ काम करना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।